हर हर महादेव। आजकल एक फैशन चल रहा है नीले वस्त्र पहनने का, माताएं बहने भी महिलाएं भी खूब पहन रही हैं नीले वस्त्र, और पंडित लोग भी नीले कुर्ते नीले वस्त्र पहन करके कर्म कर रहे हैं। कथा व्यासों की तो कहना ही क्या है, हर दिन का अलग वस्त्र है। शनिवार को तो नीला पहनना ही है, लगता है कि शनिवार शनिचर के छोटे भाई हैं, क्या है उनका, उनसे संबंध बनता है। तो नीला वस्त्र शास्त्रों में बड़ा निषिद्ध किया गया है, और वो भी नील लगा हुआ तथा ये जो है सूती वस्त्र, इसके लिए तो बड़ा निषेध किया गया है। देखिए स्कंद पुराण में काशी खंड में क्या कहा गया है कि ये कर्म कभी भी नीली वस्त्र धारण करके नहीं करे। स्नानम दानम तपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वृथा तस्य महायज्ञ नीली वासु विवर्तीय। जो नीली वस्त्र धारण करके इन धर्म धार्मिक कृत्यों को करता है वो सब व्यर्थ है, उनका कोई फल नहीं मिलता। नीली रक्तेन वस्त्रेण यदन्न उपकल्पयेत भोक्ता विष्ठा समम भुंक्ते दाता च नरकम ब्रजे। देखिए क्या कह रहे हैं, नीली वस्त्र पहन करके नीले रंगे हुए वस्त्रों को पहन करके यदन्न उपकल्पयेत, जो भोजन बनाता है या भोजन परोसता है तो भोक्ता विष्ठा समम भुंक्ते, और उनसे खाने वाला भोजन बनाने वाला जो पहनता है या परोसने वाला नीली वस्त्र पहनता है, उनको जो भोजन करेगा वो भले ही नहीं पहना है लेकिन वो भी विष्ठा खाता है, ये लिखा हुआ विष्ठा समम भुंक्ते और दाता च नरकम ब्रजे। और वो जो नीली वस्त्र पहन करके जो परोसता है बनाता है तो वो भी नरक में जाता है। नीली वस्त्र जो है बिल्कुल वर्जित है, नीला नीला और वो भी नीला रंगा हुआ। यहां तक बतलाया गया है कि नीली एक खेती होती है नील पदार्थ की, वो खेती जहां हो जाती है तो 12 वर्ष तक वो भूमि अशुद्ध हो जाती है, वहां कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है नीली वस्त्र के लिए। तो नीला वस्त्र इस तरीके से वर्जित है, परंतु इसका प्रतिप्रशम है कि नील वस्त्र पट्टे कम्बले च नीली दोषो न विद्यते, अर्थात रेशमी वस्त्र अगर कोई नीला है तो दोष नहीं है, या कोई ऊनी वस्त्र है और वो भी नीला है तब भी कोई दोष नहीं है, अन्यथा नीले वस्त्रों में महान दोष है। धर्म सम्राट के ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने चर्चा की है कि एक कोई बड़े तपस्वी महात्मा थे जिनको समाधि में तपस्या में अपना जो है साधना अवस्था में भगवदान भूति होती थी, भगवान की लीला दर्शन होना या भगवान के चित्रों को भगवान की झांकी का उनको दर्शन होता था, भगवदानुभूति होती थी। लेकिन एक दिन नहीं हुई और वो बड़े जो है व्याकुल हो गए कि आज जो है वो भगवान की छवि हृदय में नहीं आ रही है, उनका ध्यान ही नहीं हो रहा है, क्या कारण है, बहुत जो है परेशान हुए। तब उनको एकदम मन में ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि अरे भाई आपके कमरे में जो है नीला वस्त्र पड़ा हुआ है, इसको हटाइए। तो नीली वस्त्र हटाया, शुद्ध आचमन होकर के पुनः बैठे और फिर जो है उन्होंने ध्यान किया तो भगवत अनुभूति होने लगी। तो यहाँ तक साधना में नीली वस्त्र बहुत ही बाधक है। तो धार्मिक कृत्यों में, अपनी आध्यात्मिक साधना में, कोई भी सामाजिक कृतित्व में भी नीली वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है। हर हर महादेव।